और फ्रेंड आप आए इसके दैनिक विशेष हिंदी संवाद की विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। ये पहला आर्टिकल ये जो विराग गुप्ता जी का जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील वरिष्ठ वकील भी रहे हैं, तो ये जो अपने कठोर सड़क सुरक्षा जो नियम अभी लाए गए हैं तो उसी के संदर्भ में इनके ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो यहाँ पास जैसे कि सरकार ने ये जो सख्त मतलब कानून बनाए हैं इसमें से सड़क दुर्घटना संबंधित, और इसमें जुर्माने भी काफ़ी ऊँचे रखे हैं, तो इससे क्या है कि संवैधानिक अराजकता की स्थिति सी बन गई है। जैसे कि यहाँ पास हालांकि मंत्रियों ने भी इसको मतलब कि जनता को कानून को पालन के लिए संस्कृति बनाने संबंधित आह्वान तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पास से इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इन कानून की जो भी चीज़ें हैं तो इनको जन जन तक पहुंचाया भी जाए। विभिन्न प्रकार के मतलब कि राजनीतिक विज्ञापन के जरिए तो उनको काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जाए और उनको पूरी बारीकियां बताई जाए इसके बारे में, तब जा कर के मतलब लोगों को अच्छे तरीके से कानून के बारे में पता होगा, तभी जाकर के ये कानून को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही साथ जनता को तो ये चीज़ें बताने ही चाहिए, साथ ही साथ जो हमारी पुलिस मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको भी इसके बारे में काफ़ी जागरूक करने की ज़रूरत है कि यहाँ पास कैसे क्या नियम कानून, क्योंकि कुछ ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं जैसे कि बैलगाड़ियों पर सवार या ट्रक चालकों पर हेलमेट जैसे नहीं लगाने पर भी चालान काटने की घटनाएं भी कुछ देखने को मिली हैं। तो ये भी एक प्रकार से कानून की अबोधता को ही संकेत करता है, तो उसके बारे में यहाँ पास ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बारे में उनकी बारीकियों को हर चीज़ों के बारे में लोगों को पता हो, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस मशीनरी वगैरह को भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जाने। और वहाँ पर जो जुर्माने की यहाँ पास अधिकतम सीमा को जो निर्धारित किया जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे क्या है कि जैसे ऐसा ना हो कि वाहन की कीमत से ज़्यादा तो जुर्माना ही हो जाए, तो ये भी कुछ ज़्यादा फिर विसंगति सा प्रतीत होगा। तो इसमें भी एक ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कुछ निश्चित तरीके से इसके पैमाने निर्धारित हों। वहीं पास ये भी है कि जिस दुर्घटना के जो कारण है तो सिर्फ और सिर्फ ये पास यही बस नहीं है कि जैसे कि लाइसेंस वगैरह ना हो या हेलमेट ना हो तो इन्हीं बस से होता है, बल्कि इसकी और भी कई डायमेंशन है। तो यहाँ पास से ज़रूरत ये है सरकार को कि कानून का और भी ज़्यादा विस्तार किया जाए। यहाँ पास से जैसे देखा कि सरकार की जिम्मेदारी तो सड़कों के रखरखाव की है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चाहिए तो सरकार की जिम्मेदारी ही है, लेकिन यहाँ पास इनकी वजह से ही बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि खराब सड़कें हैं या कि वहाँ पास स्ट्रीट लाइट वगैरह ना हो, फुटपाथ पर भी अतिक्रमण हो या गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर हो, तो इनकी वजह से बहुत सी ज़्यादा दुर्घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पास छोटे चौराहे या कस्बे हैं तो वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल का अभाव है वहाँ पास नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, तो वहाँ पास जैसे कोई भी इनकी बंदोबस्त बेहतर तरीके से नहीं है। तो जुर्माने की जो सख्त व्यवस्था है, तो हम जुर्माने की व्यवस्था तो कंपेयर करके मतलब कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूरोप और अमेरिका की तरफ पे हमने जुर्माने लगा दिए हैं तो उसको हम तो हमने मतलब कि एक जायज़ ठहरा दिया है, लेकिन यहाँ पास हमें यह भी ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि जो दुर्घटना हो रही है तो उस पर सरकारी एजेंसियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी ही चाहिए। यहाँ पास से उससे हमें मतलब कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पास इसके लिए जो है तो गोवा सरकार के उदाहरण को लिया जा सकता है कि वहाँ पास जैसे कि इस ये सख्त जुर्माने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन उसको करने से पहले जो वहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो विसंगतता थी तो उसको सुधारने पर जो ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे कि वहाँ पास सड़कों को सुधारने की मुहिम शुरू कर दी गई है, तो इस तरह की ज़रूरत है पूरे देश पर राष्ट्रीय स्तर पर भी तरह की पहल की जानी चाहिए ना। और साथ ही साथ यहाँ पर से कुछ राज्यों में और भी अच्छे इनोवेटिव उपाय किए गए हैं, जैसे कि जुर्माने की जगह पे हेलमेट देने की व्यवस्था कर दी गई है, तो इस तरह की भी राष्ट्रीय पहल की जाए जिससे कि लोगों में भी बेहतर सड़क सुरक्षा के बारे में भी अनुशासन लागू हो जाए और लोग भी इसको बेहतर तरीके से फॉलो करें, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। साथ ही यहाँ पास कुछ आंकड़ों का यदि विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पास देखते हैं कि 93% तो जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ओवर स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन पे गाड़ी चलाने से या हिट एंड रन की वजह से मामले देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ पास जो है तो कि ज़्यादा स्पीड्स गाड़ी चलाकर जाते हैं तो लोगों को मतलब उनकी डेथ हो जाती है, और साथ ही साथ उनको कोई ज़्यादा रियायत भी नहीं मिलती है उनके फैमिलीज़ को भी, तो इन चीज़ों पे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार को, सरकार की तरफ से। वहीं पास हमें इससे पीतना है कि हम सिर्फ कागजी जाँच के नाम पर ही हर यहाँ पास चालान काटने पर ही बस वो रहें, तो इससे क्या है कि लोगों में एक प्रकार से असंतोष सा होता है कि सिर्फ इतनी मतलब एक खानापूर्ति सी हो जाती है। तो इसमें सर जरूरी ये है कि
ये सरकार है तो इसके लिए भी पूरी कुछ थोड़ा ज़्यादा व्यवस्था हो। जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे डिजी लॉकर सरकार ने शुरुआत की है अपने डाटा को रखने के लिए, तो यहाँ पास से कुछ समस्याएं ये भी देखने को मिली हैं कि जो डिजी लॉकर की सुविधा है तो इससे जो है तो वाहन मालिक के तो इसमें कागजात रखे जा सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर हैं तो ड्राइवर वगैरह तो उनकी सुविधा उनको ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही है कि उनके भी वो, तो इससे समस्या उनको ज़्यादा हो रही हैं। वहीं पर जैसे कि हमारे जो राजमार्ग मंत्रालय के जो सारथी जैसे एप है, तो इनको भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है ना ज़्यादा। वहीं पर जैसे कि क्या है कि जो पंजीकरण प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या और भी डिफरेंट लाइसेंस या प्रदूषण जैसे संबंधित जो डाटा है, तो इनको जिससे कि इंटीग्रेट तरीके से एक ही जगह पर रखे जा सके, तो उनकी जाँच भी होने पर हो और लोगों को भी कैरी करने में ज़्यादा समस्या ना हो, तो इस तरह भी कुछ इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पास जो है तो दुर्घटना के कुछ आंकड़े यदि देखे गए तो यहाँ पास जो 90% मामले तो यहाँ पास चालकों के पास उनके ड्राइविंग लाइसेंस तो थे। यहाँ पास से एक बात निकल के ये आती है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सख्त कानून बनाए गए कि लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पास ये देखा गया कि जो दुर्घटनाओं के 90% मामले में तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस थे। लेकिन यहाँ पास एक चीज़ और निकल के आती है कि इसका मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई, तो उसमें भी ज़्यादा ज़रूरत की सुधार की ज़रूरत है कि वहाँ पास कैसे अपरिपक्व होकर भी उनको लाइसेंस भी कैसे मिल गया, ये भी चीज़ तो गौर करने वाली है। वहीं पास एक चीज़ और है कि जो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की जटिलता है, तो इसको भी यदि तहसील स्तर पर इसको विस्तारित कर दिया जाए तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो नेटवर्क है तो ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा, और वह शहरों की जो भीड़ है तो वहाँ पास जो दफ्तरों पे भीड़ लगती है तो वो भी कुछ कम हो जाएगी, तो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रियायत मिल सकती है। साथ ही कुछ इसमें और भी इनिशिएटिव ये लिए जा सकते हैं कि जिस तरह से सरकारी अफसरों का 60 साल तक रिटायरमेंट का उम्र होता है, उसी तरह जो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी 60 साल तक की उम्र तक एकदम लीगल बनाया जाए वैध बना दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा लोगों को भाग दौड़ ना करनी पड़े, RTO जाने की समस्या से छुटकारा मिल सके। और वहीं पास जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो गाड़ियों के प्रदूषण प्रमाण पत्र हैं तो उनकी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन यहाँ पास जैसे कि कस्बे हैं या ग्रामीण इलाके हैं तो यहाँ पास इनको देखने की बेहतर नेटवर्क नहीं है, और तो इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि जो नए वाहन हैं तो उनको 10 वर्ष की अवधि तक प्रदूषण प्रमाण पत्र की व्यवहारिक छूट का नियम बन जाए, तो इससे जो है कि जनता को बेवजह फालतू में परेशान होना नहीं पड़ेगा और साथ ही उसको खर्च से भी राहत मिलेगी, तो ये भी एक बेहतर तरीके से अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। वहीं यदि देखा जाए तो जो दुर्घटना में जो घायल और मृत लोग हैं तो उनको भी बेहतर तरीके से मुआवजा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक ज़्यादा समस्या का विषय है कि उनको बेहतर तरीके से मुआवजा भी नहीं मिल पाता है, लोग भटकते रहते हैं फालतू में। तो यहाँ पास से एक ये जो शासन की तरफ से ये भी नियम आया गया है कि जो सभी वाहनों को बीमा लेना अनिवार्य कर दिया गया है, तो जो वर्तमान में जो देश में 19 करोड़ वाहन है तो उनमें से 10 करोड़ इस तरह तो फिर वाहन बीमा बिना बीमा की हैं, उनका बीमा नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि जो सख्त नियम है तो बीमा कंपनियों की तरफ ज़्यादा मतलब कि उनका इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, तो वहाँ पास से क्या है कि इनकी जवाबदेहियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यहाँ पास कुछ ऐसे देखने को भी मिला है कि जो दुर्घटना से जो पीड़ित लोग हैं तो मुआवजे के लिए जब बीमा कंपनियों के पास जाते हैं तो और कुछ वो समस्याएं होती हैं तो उनको भी अदालतों के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सख्त नियम बने और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे फिर लोगों को भी समस्याएं नहीं होंगी, तो जनता भी भटकाव से बचेगी। साथ ही वहाँ पर जो दुर्घटना होने पर जो ये एप कंपनी जैसे कि ओला और उबर कंपनियाँ हैं तो वो भी जो है तो मुआवजे देने में समस्या उत्पन्न करती हैं, लोगों को ईजिली नहीं देती हैं। जैसे कभी एक मामला भी आया था कि उबर टैक्सी का में दुष्कर्म की जो शिकार पीड़िता थी तो उसको मुआवजे के लिए फिर अमेरिकी अदालत में लेनी पड़ी थी, तब जाकर उसको मिला था, तो इस तरह की समस्या तो इनकी भी एक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की अत्यावश्यक जरूरत है सरकार को वहाँ पास। साथ ही ये यहाँ पर जो ये टैक्स का ओला की जो कंपनियां हैं और ये जो ओबर की यानी ए वाली जो कंपनियां हैं तो इनके तो इस तरह देखा जाए तो 25 लाख ड्राइवर इनकी उस पर मतलब कि एक प्रकार से फौजी इसकी खड़ी कर लिए हैं। वहीं जो व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी अनिवार्यता तो खत्म कर दी गई, लेकिन जो गरीब ऑटो वाले हैं तो उनके जो अधिकतम किराया तो निर्धारित कर दिए गए, लेकिन जो इन कंपनियों के जो हैं तो उनको कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी बरती गई है कि 3 गुना किराया बढ़ाने की इनको छूट दी गई है, तो इतने लाभ के बावजूद भी इनको इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बरती गई है, लेकिन फिर भी ये जो तो अपने ड्राइवरों को जो ड्राइवर रखते हैं तो एक प्रकार से वो रोज़गार ही दे, लेकिन उनको बेहतर तरीके से PF वगैरह या और सुविधाएं इनको नहीं दे रहे, तो उसका मतलब कि यदि आप फ्लेक्सिबिलिटी ले रहे हो तो उसकी जगह पर लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएं भी मुहैया करवाओ ना, तो ऐसी व्यवस्था नहीं दी जा रही है यहाँ पर, बल्कि इन कंपनी को तो देश के लगभग 250 शहरों में इनका बिजनेस फैला हुआ है, तो
ये मोस्टली यूज़ तो यहीं मतलब कि इन ये कंपनी तो वाहन सड़कों का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें परमिट देने का कोई कानून ऐसा नहीं बना हुआ है, तो उस पर भी मतलब कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। भले ये जुर्माने सरकार की आमदनी का स्रोत ना हो, लेकिन राज्यों के लिए भी तो कुछ मतलब कि इनकम का सोर्स हो सकता है वहीं पर, जैसे कि जो टैक्स परमिट के लिए जो नियम बनाने से जो राज्यों की थोड़ी इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। साथ ही जो रोड शो है, चुनावी रथ है, गाड़ी में रक्त जो तख्ती वगैरह या झंडे बैनर है, तो नेताओं पर भी जुर्माना लगाया जाए तो इससे क्या है कि आम जनता को भी कानून के शासन के प्रति ज़्यादा थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा उसका। तो ये एक कुछ सकारात्मक कदम हो सकते हैं जिससे कि जनता को भी मतलब कि जो नियम कानून है तो उसको भी थोड़ा सा पालन करने में आसानी होगी और लोग भी उसको थोड़ा फॉलो करेंगे। और साथ ही यहाँ पास जैसे कि ये डंपर, JCB, ट्रॉली वगैरह, ट्रक हैं, तो इनसे भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। और जहाँ तक कि जो महानगर वगैरह में, तो यहाँ पास जो राजमार्गों में, तो उनमें भी सख्त जुर्माने को लागू किया जाए, क्योंकि ज़्यादा दुर्घटनाएँ तो वहीं पास देखने को मिलती हैं। वहीं वाहनों के टक्कर से भी, जैसा कि अधिकांश जो पैदल यात्री हैं, साइकिल सवार, तिपहिया वाहन, फुटपाथ पर सोने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ ज़्यादा सरकार को इस दिशा में भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनको भी कुछ सुरक्षा कवच मुहैया करवाने की ज़रूरत है जिससे कि बेहतर तरीके से सभी को एक समुचित लाभ भी मिल सके और जवाबदेही भी सबकी सुनिश्चित हो सके, तब बेहतर तरीके से इस कानून का क्रियान्वयन संभव हो सकेगा, मतलब अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो बस आज इस आर्टिकल में इतना ही, हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल नई दुनिया का है, ये जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी सफाई कर्मियों के, सीवर ये जो वो कर्मचारी थे तो उनकी जो मृत्यु हो गई, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो वहीं पास इस आर्टिकल में कहा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया में कहीं भी लोगों को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर की सफाई के लिए नहीं भेजा जाता, भारत ही ऐसा है कि यहाँ पास ऐसा मतलब कि बिना सुरक्षा उपकरणों के भेजा जाता है। तो इसलिए जो है तो गैस चैम्बर की तरह सीवरों में उतर करके उनकी जो सफाई करने वाले कर्मी हैं तो उनकी मौत की खबरें आती रहती हैं। ये तो ये मतलब कि एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है कि यहाँ पास बेहतर तरीके से उनको समुचित सुविधाएं नहीं मुहैया हैं, तो लोग तो ऐसे ही आसानी से मतलब कि बेमौत मर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि सरकार के लिए और हमारे प्रशासन के लिए बहुत ही गंभीर मतलब कि एक सख्त संदेश ही इसको कह सकते हैं कि इस दिशा पे बेहतर तरीके से उनको सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाई है, हमारी तकनीकी इतनी ज़्यादा उन्नत नहीं हो पाई कि इनकी समस्याओं से इनको निजात नहीं मिल पाई है। हालांकि यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो आपस ने बताया कि हर महीने में 4 से 5 सफाई कर्मियों की मौत हो रही है इस उससे। तो ये मतलब कि एक संवेदनहीनता मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सभ्य समाज की उसमें तो बहुत ही मतलब संवेदनहीनता का मामला ये है कि इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं। तो ये साफ समाज हालांकि साफ सफाई की जिम्मेदारी तो लोग जो है तो सफाई कर्मियों की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं करते, तो ये भी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्या की बात है कि उनको बेहतर तकनीक वगैरह मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। तो ये जबकि शासन को ये जिम्मेदारी ही होती है कि उनको बेहतर तकनीकों से लैस किया जाए ना, तो ये यहाँ पर से ज़्यादा मतलब सावधानी बरती जाए तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल निश्चित तौर पे कम होंगी। तो हालांकि इस पे इस घटना पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट संदेह मतलब कि गाइडलाइन तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पास से सरकार को इस ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है संवेदनशीलता के साथ। और वहीं पास जो है तो इनको ये जो सफाई कर्मियों की मौत के बाद उनकी जांच कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं होती, निष्प्रभावी रहती है, तो उस पर भी और इनको मुआवजा वगैरह भी नहीं मिल पाता है। तो इस ओर निश्चित तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके परिवार पे भी। तो इससे थोड़ा सा कुछ मतलब ज़्यादा सरकार का दायित्व भी बेहतर तरीके से यही होता है कि वो अपने नागरिकों का मतलब कि बेहतर तरीके से हर चीज़ से लोक कल्याणकारी दृष्टि से सही अप्रोच रखे तो ये बेहतर होगा। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस संदर्भ में कोई स्पष्ट गाइडलाइन तो जारी नहीं की, लेकिन केंद्र सरकार को भी निर्देश तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये दायित्व तो होता है सरकार का कि इस दिशा पे निश्चित तौर पे कुछ कड़े कदम उठाए जाएँ। तो यही कि सफाई कर्मचारियों के जो कि बेहतर हित में होगा, तो और उनकी जो आवश्यकता है तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और जब निश्चित तौर पे वांछित नियम कानून इस दिशा में बनाने की सख्त ज़रूरत भी है सरकार को। तो इस आर्टिकल में बस इतने ही, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, ये आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा है जो कि कृषि से संबंधित आर्टिकल है कि कृषि ऋण जो दिए जा रहे हैं तो उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है।
तो अभी हाल ही में जो आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह के द्वारा जो कृषि ऋण की समीक्षा की गई, तो उसमें कुछ आंकड़े निकल के आ गए जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। कि यहाँ पास ये बताया गया कि जो कृषि क्षेत्र को जो दिया गया संस्थागत ऋण है, तो संस्थागत ऋण का एक बड़ा हिस्सा का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? यहाँ पास से कुछ राज्यों के कुछ आंकड़े लिए गए, तो यहाँ पास ये देखने को मिला कि जो संस्थागत कृषि ऋण हैं, तो उन राज्यों के कृषि क्षेत्र के जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद है उससे भी अधिक देखने को मिला गया। यानी कि जो उन राज्यों का कृषि क्षेत्र का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद है उससे भी ज़्यादा तो वहाँ पर संस्थागत कृषि ऋण वितरित किए गए। तो ये कैसे, एक प्रकार से विसंगति का ही मामला है। तो यहाँ पास मतलब कि जितने कच्चे माल की अनुमानित ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा तो ऋण ही वितरित कर दिए गए। यहाँ पास इसका एक उदाहरण दिया गया है आंध्र प्रदेश का, जो कि 2015 और 17 के बीच यहाँ पास जो है तो फसल ऋण किसानों की जो कच्चे माल संबंधी जरूरत है उस जरूरत का 7.5 गुना ज़्यादा दिया गया। तो यानी कि जबकि इसके बावजूद जो असंगठित क्षेत्र है जो जो कि देश भर के किसानों के ऋण का महत्वपूर्ण जरिया है, तो लेकिन वहाँ पास एक चीज़ यहाँ पास ये यह है कि जो गैर कृषि उद्देश्य की पूर्ति में ये लगाए जा रहे हैं, जबकि दिया दूसरे पर्पज़ से जा रहा है ऋण। किसान मतलब कि किसानों को ऋण कृषि को उन्नत करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके मतलब कि गलत तरीके से दूसरे उस पर इस ऋण को खपाया जा रहा है, मतलब गैर कृषि उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जा रहा है। तो ये मतलब कि एक गंभीर समस्या ही देखने को मिल रही है। वहीं पास यहाँ पास आरबीआई के आंकड़ों पे कुछ भी यहाँ पास स्पष्ट किया गया है कि जो 2015 का अध्ययन भी ये बता चुका है कि जो शहरी और अर्ध शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो स्थित बैंक की शाखाएँ हैं, तो ये शाखाएँ उन महीनों में भी ज़्यादा कृषि ऋण देती हैं जबकि खेती का कामकाज ही नहीं होता है। मतलब कि जब खेती नहीं हो रही तब भी ये कृषि ऋण दिए जा रहे हैं। मतलब कि ये कैसी विसंगति है कि कृषि नहीं हो रही लेकिन ऋण दिए जा रहे हैं, मतलब कि उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत उपयोग हो रहा है। तो ये जो कृषि ऋण क्षेत्र है तो उसमें बहुत सी कमियां भी हैं, जैसे कि वितरण की समस्या देखने को मिलती है। और इनका जो एक बड़ा हिस्सा है तो बड़े ज़मींदारों को दिया जाता है, जबकि जो इसके निश्चित तौर पे लाभ उनको जिनको मिलना चाहिए, जैसे छोटे और सीमांत किसान हैं तो इनको मिलना चाहिए लेकिन इनको नहीं मिल रहा, तो ये जाते हैं साहूकारों की दया पर निर्भर हो जाते हैं, तो उनको उनसे ऋण लेकर के कर्ज तले दबते चले जाते हैं। तो यहाँ पर से आरबीआई की जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट के अनुसार जो है तो 41% जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कि कुल किसान परिवारों का 86% हैं, जिन्हें कर्ज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वे वाणिज्यिक बैंकों के दायरे से बाहर ही हैं। मतलब कि उन पे इनका कोई मतलब कि वो नहीं मिल रहा, जो बैंक है तो उनका कोई फ़ायदा ऋण जो ऋण दिए जा रहे हैं तो उनका उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उसका फ़ायदा बड़े किसान उठा रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये मतलब कि लक्षित तरीके से ना होने के कारण ही इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इन किसानों को भी सस्ते ऋण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन फिर भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय जैसे कि किसानों के दीर्घकालिक निवेश की भी, तो उनमें भी ऋण आवंटन की जो है तो अनदेखी की गई, उनको भी ऋण आवंटन बेहतर तरीके से नहीं किया गया। अन्य सेक्टर जैसे कि ये पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, या कि जैसे कि ये आदि हैं, तो उसमें से भी ये कृषि जो कि कृषि जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा रखते हैं, जो कि 40% की जीडीपी का है, लेकिन जो ऋण में इनकी भागीदारी देखी जाए तो ऋण में ये मात्र इनको मिलता है 7%, तो जो कि बहुत ही कम एक नाम मात्र का ही है। तो उस पर भी थोड़ा सा इस विसंगति को भी दूर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं देखा जाए कि कुल कृषि ऋण में भी जो निवेश ऋण की जो हिस्सेदारी थी जो 2000 में 50% थी, तो वह अब घट करके 25% रह गई 2016 में। तो ये जो समय पर ऋण चुकाने पर एक ब्याज में छूट भी की भी ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है, तो उसका भी दुरुपयोग देखने को मिला है कि जो मतलब संसाधन संपन्न किसान हैं तो उसका फ़ायदा लेते हैं, और ये जो प्राप्त जो उच्च ब्याज दर वाली जो हैं तो मतलब इसका निवेश दूसरे उस पर करके और गलत तरीके से ज़्यादा उससे ब्याज कमाते हैं, तो ये भी मतलब इसका दुरुपयोग ही है। तो इसलिए ज़रूरत ये है सरकार को कि जो इन चीज़ों को छूट की जो व्यवस्था है तो इसको ख़त्म करके जो लक्षित जो है तो लाभार्थी हैं उन्हीं को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए कि उन मतलब कि उनको डायरेक्ट जिसको ज़रूरत है पात्र व्यक्ति को ही ऋण दिया जा सके। तो
इन जो समस्याएं हैं तो उनसे निजात पाई जा सकती है। और RBI के कर समूह ने भी हालांकि यही रिकमेंडेशन दिया था, तो इससे क्या होगा कि अनुबंधित और साझे की जो खेती करने वाले और भूमिहीन किसान हैं उनको भी क्या है कि थोड़ा सा कुछ इससे मदद मिलेगी और बेहतर तरीके से ये पात्र ये हैं। लेकिन ये जो है तो बड़े उसके किसानों के बीच इनको कोई कुछ मिल ही नहीं पा रहा है बेहतर तरीके से। जब लक्षित तरीके से होगा तो इनको भी मतलब कि इनकी भी भागीदारी ऋण में मिलेगी होगी, तो इनको मतलब इनको भी फायदा मिलेगा और इनकी भी थोड़ा कुछ प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो ये यही जरूरत है कि यहाँ पर संस्थागत ऋण के दायरे से इन जो जो बाहर हैं तो इनको भी लक्षित तरीके से इनको भी ऋण के दायरे में लाया जाए। और वहीं समस्त जो कृषि ऋण है तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देकर भी कुछ गड़बड़ियों को अंकुश लगाया जा सकता है। तो ये कदम हालांकि पूरी ये पूरी तरह से समस्याओं को तो नहीं दूर कर पाएंगे, लेकिन ये है कि जो कुछ मामलों कुछ हद तक तो निश्चित तौर पर ये समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही दोस्तों। इस आर्टिकल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरीज हो तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर कमेंट करें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।